बनाए हुए उसूलों पर चलने का अहद करते हैं। आवाम को उनका हक पहुंचाने के लिए हम तमाम तेलंगाना राष्ट्र समिति की लीडरशिप को आज हम अपने पदों पर जा रहे हैं, इसीलिए हम अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब सदर तेलंगाना राष्ट्र समिति इनके दिए हर आदेश को पालन करेंगे। साथ ही अपने लीडर की इज्जत बरकरार रखेंगे और आवाम में एक अच्छे लीडर की हैसियत से नाम पैदा करेंगे। अनिल कुमार डीसी प्रेसिडेंट, मलिक अर्जुन अब थोड़ा पीछे दीपांगर दीपांगर अलियाबाद प्रेसिडेंट शाली बंडा दिया जा रहा है। आज अपने डिविजन्स के प्रेसिडेंट्स के जो डिक्लेयर करे हुए लेटर्स आज उनके हवाले किया हूँ। उन्हीं के साथ डिवीजन के मराठी एसटी एससी बीसी और महिला के प्रेसिडेंट्स का भी ऐलान करे हैं और उनके साथ डिवीजन्स के जनरल सेक्रेटरीज और जॉइंट सेक्रेटरीज का भी ऐलान हो रहा है। यह मकसद सिर्फ तेलंगाना राष्ट्र समिति के जो कार्यकर्ता जो लीडर्स हमारे पास है उनकी हौसले अफजाई और उनके मुकम्मल काम करने का जरिया और खास तौर पर हर डिवीजन में जो बेहतरीन तरीके से काम चल रहा है इनको काम करने के लिए दिया जा रहा है। और खास बात यह है कि जिन डिवीजन्स के अंदर जिन मकसद के लिए जिस आवाम के पास जहां पर पोस्ट है उनको उनके इलाकों में काम करने का पूरा अख्तियार होगा ताकि तेलंगाना राष्ट्र समिति ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग हो और तेलंगाना राष्ट्र समिति की तरफ से उसके उसूल और कायदे हैं, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स है और तेलंगाना राष्ट्र समिति जो हुकूमत में है और हुकूमत के वेलफेयर स्कीम्स आवाम तक पहुंचाने के लिए ये इकदाम किए जा रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आवाम में ये लोग हमेशा एक खिदमत गुजार की हैसियत से काम करें, ना कि एक लीडर की हैसियत से। लीडर जो होता है वो लीड करने वाले को कहा जाता है, जो आवाम की खिदमत करता है वही लीडर कहलाता है, बल्कि आवाम पे रुआब झाड़ने वाला लीडर नहीं होता, करप्ट इंसान लीडर नहीं होता। मैं इसी के लिए तमाम के तमाम लोगों को यह हिदायत करते हुए आज हम अहदनामे के बाद ये तमाम को पोस्ट दिया गया है, ये हमारी एक कोशिश है।